बहुत सुंदर हुआ तुम। सबसे पहले तो मैम आपको थैंक यू बोलना चाहूंगी जो आपने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे मौका दिया इतने सेंसिटिव और इतने अच्छे टॉपिक पे बोलने के लिए, कि आई होप मैं इस टॉपिक पे जस्टिफाई कर सकूं अपने आप को, है ना। तो इस टॉपिक की शुरुआत मैम मेरे को लगता है कि मुझे स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी, तो क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ मैम? बिल्कुल बिल्कुल। ओके मैम, थैंक यू मैम। तो जब तक कि मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है, ये कपड़े कैसे करते हैं शेयर? ओके हाँ, जब तक कि मैं स्क्रीन शेयर करना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं पहले से ये बताना चाहूंगी कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो लाखों लोगों के सपने पूरे कर चुका है ना, और हम लोगों के भी सपने इसमें पूरे हो सकते हैं। तो क्या है ये बिजनेस, क्यों हमें करना है, कैसे करना है और किस तरीके से हम इसको स्टार्ट कर सकते हैं, मैं बहुत ही छोटे से टाइम में बताने की पूरी कोशिश करूंगी, है ना। तो सबसे पहले ये आता है कि हम बिजनेस क्यों करते हैं, या वाई एमवे बिजनेस, हमें क्यों करना है एमवे बिजनेस, है ना। तो इसके लिए सबके अपने अपने पर्सनल रीजंस हो सकते हैं, पर्सनल ड्रीम्स हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को क्या होता है कि एक्स्ट्रा इनकम के लिए करना है ना, हमें हमारा एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत होती है क्योंकि हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पाते हैं, फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए हमको, वर्क फॉर ओन सेल्फ, मतलब हमारा कोई बॉस नहीं है, हम खुद अपने लिए खुद के ही बॉस हैं, अपने आप काम कर रहे हैं, अपने लिए काम कर रहे हैं, टाइम की फ्रीडम है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, है ना। ये नहीं है कि सुबह 9 बजे से स्टार्ट करना है और शाम के 5 बजे तक जॉब करना है या 6 बजे तक जॉब करना है, अपनी फैमिली को देखते हुए कैसे लेडीज अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकती हैं, तो टाइम फ्रीडम है, कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, क्योंकि जो भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो हम प्रोडक्ट्स, जो हम पैसा खर्च करते हैं, उसके हमें प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, तो इसलिए हम ये भी बोल सकते हैं कि इसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, फ्री मेंटरशिप है ना। जैसे आज ही ये जूम की मीटिंग है, ये एक वर्कशॉप है जो मैम मतलब हम लोगों को फ्री मिल रही है ना, इसके लिए हमने कोई पैसा नहीं खर्च किया है, हमारी नॉलेज एनहांस हो रही है ना, हम लोगों को हेल्प कर सकते हैं, कैसे हेल्प कर सकते हैं, चैरिटी कर सकते हैं, या आजकल बहुत सारी लेडीज हैं जो चाहती हैं कुछ करना, जिनके बच्चे छोटे हैं या फैमिली में वो बाहर नहीं निकल सकती हैं, तो कैसे वो घर से अपने बिजनेस को कर सकती हैं, लीगेसी हम क्रिएट कर सकते हैं, लीगेसी मतलब कि ये बिजनेस हम अपने बच्चों को इनहेरिट मतलब कर सकते हैं, हम अपने बच्चों को एक तरह से विल कर सकते हैं, इस बिजनेस की पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होती है, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट मतलब हमारे अंदर एक चेंज आता है, जैसे हम पब्लिक स्पीकिंग सीखते हैं, लोगों के सामने कैसे हम अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हैं, ये चीजें जो कि हमें कभी स्कूल में नहीं सिखाई जाती, ये चीजें हम इस बिजनेस में सीखते हैं, है ना। इसके बाद आता है व्हाट, ये एमवे बिजनेस है क्या, कैसे ये काम करता है, ठीक है। जो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस होता था उसमें क्या होता था कि एक मैन्युफैक्चरर होता है, और हम एज अ कस्टमर हम कभी मैन्युफैक्चरर के पास नहीं जाते थे सामान खरीदने, है ना, हम मैन्युफैक्चरर और कस्टमर के बीच में एक चेन होती है जो कि स्टॉकिस्ट होते हैं, होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं, उसके बाद हम कस्टमर आते हैं। तो क्या होता है कि जो एक प्रोडक्ट 40 रुपये का उसका ओरिजिनल अमाउंट होता है, लेकिन जब तक वो कस्टमर के पास पहुंचता है तो उसका जो प्राइस हो जाता है वो 100 रुपीज़ पहुंच जाता है ना। 60 रुपीज़ कहाँ जाता है, 60 रुपीज़ जो होता है वो ये जो चेन होती है इनके बीच में डिवाइड हो जाता है, और मतलब 30% इस चेन में डिवाइड होता है, और जो 30% होता है बीच का वो एडवर्टीजमेंट में खर्च कर किया जाता है, क्योंकि कंपनी को एडवर्टीजमेंट करनी पड़ती है अपने प्रोडक्ट को बेचने के लिए, तब जाके वो कस्टमर तक पहुंचता है, और जब तक वो कस्टमर के पास पहुंचता है उस प्रोडक्ट का प्राइस 100 रुपीज हो चुका होता है ना। और जब हम उसको प्राइस को खरीद हम उस प्राइस पे जो प्रोडक्ट खरीदते हैं तो हमको उसका कोई बेनिफिट नहीं होता, एक्सेप्ट कि हमारे पास सिर्फ प्रोडक्ट आता है। यही हमारी जो कंपनी है जो कि एमवे है, वो क्या कर रही है, वो मैन्युफैक्चरर, एक एज अ मैन्युफैक्चरर मतलब एक कंपनी है जो सामान बना रही है, और सीधा हम उसको एज अ कस्टमर, एज अ डिस्ट्रीब्यूटर हम उसको सामान ले रहे हैं, तो मैन्युफैक्चरर से सीधा वो कस्टमर के पास पहुंच रहा है, तो उसमें क्या हो रहा है कि जो प्रॉफिट है वो दोनों 50-50% शेयरिंग हो रहा है ना। तो ऐसा नहीं है कि मतलब ये प्रॉफिट हमारे पास कैसे आता है, ये हमारे पास आता है एज अ कस्टमर, हमको सबसे पहले ये हमारे पास आता है, हमें रॉयल्टी पॉइंट के रूप में आता है, और हमें बोनस जो हमारा डिस्काउंट होता है वो हमें एकदम से मिल जाता है, ठीक है। हमारे पास रॉयल्टी पॉइंट्स आते हैं जो कि हम अपने नेक्स्ट शॉपिंग पे उसको रिडीम कर सकते हैं, वो भी हमारा कैश ही होता है एक तरह से, ठीक है। और क्या होता है, CSI आता है, हमारा ट्रेड डिस्काउंट आता है, हमारा बोनस कैलकुलेट होता है, इस तरीके से कंपनी हमें पैसा देती है, ठीक है। अब थर्ड आता है कि कैसे करना है, ठीक है, हमें समझ में आ गया ये बिजनेस क्यों करना है, क्या है, अब करना कैसे है।
करना ऐसे है कि एमबिट एक कंपनी है, ग्लोबल कंपनी है, वर्ल्ड वाइड है, 100+ कंट्रीज में काम कर रही है, 80,000 करोड़ से ज्यादा इसका टर्नओवर है, 1100 से ज्यादा, 1100+ इसके पास पेटेंट्स हैं, 67 R&D हैं, R&D मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर हैं, 7500 एकर्स ऑर्गेनिक एंड नेचुरल इनके पास लैंड है, ठीक है, बेस्ट ऑफ नेचर और बेस्ट ऑफ साइंस पर ये काम करती है, और कस्टमर को 30 डेज रिफंड गारंटी भी हमारी कंपनी हमको प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके साथ साथ क्या आता है, एक ब्रिट एजुकेशन सिस्टम आता है, BWW, ठीक है। ये क्या है, ये जो जो लोग इस बिजनेस में पिछले 60 सालों से, 70 सालों से, 20 साल, 30 साल से जो लोग काम कर रहे हैं, उन लोगों का अनुभव है, उन लोगों के अनुभव के द्वारा हमको ये एजुकेशन मिलता है कि कैसे हमको काम करना है, कैसे हमको नेटवर्क बिल्डिंग स्किल्स पे काम करना है, कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी कैसे इम्प्रूव हो सकती हैं, नॉलेज हमारी कैसे बढ़ती है, हमारे हमारे को ये बुक्स सजेस्ट करता है, बुक्स प्रोवाइड की जाती हैं, ऑडियो वीडियो है, मीटिंग्स के थ्रू, सेमिनार्स के थ्रू, जैसे आज हम लोग बैठे हैं मीटिंग में, कैसे हमारी नॉलेज को एनहांस हो रहा है ना, हम डिफरेंट डिफरेंट जगह से बैठे हैं और हम ये सब एक ही जगह पे इकट्ठा हो रहे हैं, तो इस तरीके से ब्रिट वर्ल्ड वाइड हमारा हमारा एजुकेशन सिस्टम है। उसके बाद आती है हमारी टीम, हमारी टीम क्या होती है, हमारी टीम में हमारे स्पॉन्सर होते हैं, हमारे सिल्वर प्रोड्यूसर होते हैं, हमारे प्लैटिनम होते हैं और हमारे डायमंड्स होते हैं, इन लोगों के अनुभव और इन लोगों की मदद के द्वारा हम अपने बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। जैसे कि हिमलता मैम है और चंद्रा मैम है, इन लोग ये लोग हमें हमेशा हेल्प करते हैं, मोटिवेट करते हैं, और तब थर्ड नंबर पे आते हैं हम एज अ नेटवर्कर, यू मतलब हम नेटवर्कर, ठीक है। इस नेटवर्कर को कैसे हेल्प मिलती है, हमारी टीम जो होती है, टीम के द्वारा हम नेटवर्किंग का काम शुरू करते हैं और फिर हमारी टीम बननी शुरू होती है, जो हमारा टर्नओवर होता है, पर्सनल सेल्स होता है जो हम PC के माध्यम से करते हैं, और फिर हमारा नेटवर्क बनना शुरू होता है, एज अ ADR हम इस बिजनेस में आते हैं और एज अ ADS हम उस बिजनेस में कन्वर्ट होते हैं, ठीक है। इनकम का क्या क्राइटेरिया है, मैं बहुत छोटे से संक्षेप में समझाने की कोशिश करती हूँ। इस बिजनेस में हमको जैसे हम जो हम खरीद करते हैं या जो हम पैसा स्पेंड करते हैं उसके बदले में हमें पॉइंट वैल्यू होती है हमारी, है ना, तो लगभग लगभग 100 रुपीज का एक PV होता है, पॉइंट वैल्यू, ठीक है। तो जैसे हम 200 PV करते हैं तो 3% का हमारा लेवल अचीव होता है, उसी तरह से हम 6% करते हैं तो 600 PV करते हैं तो 6% का लेवल होता है, 1200 PV करते हैं 9% होता है, 2400 PV करते हैं तो 12% होता है, एंड सो ऑन 21% तक हम जाते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि हमारे ये पोटेंशियल इनकम अपॉर्चुनिटी होती है, हमारे जो हमारे प्लैटिनम्स होते हैं, एमरल्ड होते हैं, डायमंड होते हैं और हमारे क्राउन्स होते हैं, ठीक है। इनकी एनुअल और मंथली इनकम अगर मैं बात करूं तो प्लेटिनम की इनकम लगभग लगभग 1 लाख रुपए महीना होती है, एमरल्ड की होती है 2.5 लाख, 2.56 लाख अराउंड, और डायमंड की इनकम लगभग 5 से 5.5 लाख रुपए होती है, ठीक है। अब आता है कि नाउ हमने समझ लिया क्या है, क्यों है, कैसे करना है, अब नाउ हमें क्या करना है, हम कैसे इसको कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो हमारा रजिस्ट्रेशन है, जो उसके लिए कोई चार्ज नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारा रजिस्ट्रेशन हो जाता है। हमें क्या करना है, हमको प्रोडक्ट यूज करना है, ठीक है। कोई भी बिजनेस होता है उसमें या तो सर्विसेज होती हैं या प्रोडक्ट्स होते हैं, है ना, इसी तरीके से बिजनेस स्टार्ट किया जाता है। जो हमारे 172 से ज्यादा प्रोडक्ट्स हैं, जो हेल्थ है, ब्यूटी में भी है, पर्सनल केयर है, होम केयर है, तो हमको क्या करना है, हमको अपना प्रोडक्ट यूज करना है, सजेस्ट करना है और रेकमेंड करना है, ठीक है। सजेस्ट किसको करना है, रेकमेंड किसको करना है, अपने नियर्स एंड डियर्स को, अपनी फैमिली फ्रेंड्स को, फ्रेंड्स को, नेबर्स को, और इसी तरीके से हमारा नेटवर्क बनता चला जाता है, ठीक है। लिस्ट बिल्डिंग करनी है, लिस्ट बिल्डिंग क्या करना है कि जो भी हमारे फोन में कॉन्टेक्ट्स हैं उनको हमको एक पेपर पे रखना है, उनका क्राइटेरिया निकालना है और उस तरीके से हमको लिस्ट बिल्डिंग करनी है, बुक्स पढ़नी है, CD सुननी है, सेमिनार्स में हमको अटेंड करना है, और ये अपॉर्चुनिटी जैसे आज मैं शेयर कर रही हूँ ऐसे ही हमको ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी अपने फ्रेंड्स के साथ, नेबर्स के साथ और जो भी लोग हैं जिनके साथ आप करना चाहें आपको करना है, ठीक है। सबसे पहले तो हमको 100% यूजर बनना है, अपने सारे प्रोडक्ट्स हमको यूज करने हैं और उनको यूज करके हमको रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। नॉलेज लेनी है, जब हम बिजनेस में आते हैं तो शुरू के 30 डेज हमको सिर्फ ये बोला जाता है कि हमें नॉलेज लेनी है और हमको बुक्स पढ़नी है ना, और प्रोडक्ट को यूज करना है, ठीक है। आई होप ये सबको समझ में आ गया होगा। अब इंडिया, एमवे इंडिया
में कैसे काम कर रहा है, ये सिंस 1998 से, 1998 से हमारे इंडिया में है। इसका टर्नओवर जो अराउंड 2000 करोड़ का है, ठीक है, मैंने पहले ही बताया 172 से ज़्यादा वर्ल्ड क्लास इसके प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, मेक इन इंडिया का इसको वो मिला हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हमको अपना बायोडिग्रेडेबल प्रोडक्ट्स हैं, हमारा एनवायरनमेंट को हम क्लीन कर रहे हैं, हम अपने एनवायरनमेंट की हेल्प कर रहे हैं, हम अपनी सोसाइटी की हेल्प कर रहे हैं और हम अपनी कंट्री की हेल्प कर रहे हैं ऐसे अच्छे प्रोडक्ट को यूज़ करके, ठीक है। तो बस थैंक यू सो मच। और मैम आई होप मैंने अपने निश्चित समय में अपने अपने प्रेजेंटेशन